देखें, मैं गया था, मैं बता के गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ, हर साल जाता हूँ, हर साल पिछले 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा जी। अपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना, मैं उनको कोई इतना जवाब दूँ ना, मैं उनसे जवाब देने की उनको बता दूँ, मेरा कोई मसला नहीं है, सब कुछ कारोबार साफ और शफाफ है, अल्लाह का बहुत शुक्र। जहांगीर तरीन की 7 माह बाद लंदन से पाकिस्तान वापसी, बेटा अली तरीन और अहलिया भी साथ लाहौर पहुंचे। इलाज के लिए बाहर गया था, मेरा कारोबार शफाफ है, अपोजिशन के इल्ज़ाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं। जहांगीर तरीन की वतन वापसी पर गुफ्तगु, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट में नाम आने के बाद इलाज के लिए बरतानिया चले गए थे। कौन संभालेगा व्हाइट हाउस की कुर्सी, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? 3 रोज बाद भी फैसला न हो सका। वोटों की गिनती सुस्तरवी से जारी, डाक से मिलने वाले वोटों में डेमोक्रेट्स के हाथ ज्यादा। रह जाने वाली रियासतों में जो बाइडेन की बढ़तरी बढ़ने लगी, 5 में से 1 भी रियासत से कामयाबी जो बाइडेन को अमरीकी सदर बना सकती है। ट्रंप ने दबे अल्फाज में शिकस्त तस्लीम कर ली, कहते हैं डेमोक्रेटिक्स इलेक्शन चोरी ना करते तो मैं जीत जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मिली भगत हो रही है, मुझे धोखे के जरिए जीत से बाहर किया जा रहा है, कानूनी वोट गिने जाएं तो मैं तारीखी कामयाबी हासिल कर चुका हूं। रियासत मिशिगन और पेंसिल्वेनिया की अदालतों ने वोटों की गिनती रुकवाने के लिए ट्रंप की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। रियासत जॉर्जिया में भी हुकाम ने सदर ट्रंप की जानिब से दानली के इल्जामात की तरदीद कर दी है। हुकाम का कहना है कहीं बेजाबकी की शिकायत मिली तो तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हसन अब्दाल का दौरा, नौ तामीर शुदा रेलवे स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह किया, वज़ीर-ए-आज़म सवाद भी जाएंगे, जलसा-ए-आम से भी खिताब, इंसाफ सेहत कार्ड का इफ्तिताह करेंगे, मालाखंड डिवीजन के लिए बड़े पैकेज का ऐलान मुतवक्के। पीटीएम के पेशावर जलसे की मेजबानी पर इख्तलाफात खत्म, अब तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर जलसे की मेजबानी करेंगी। 22 नवंबर के जलसे की मेजबानी पर JUI और ANP में रस्साकशी जारी थी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां तेज, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी, सीट एडजस्टमेंट के लिए भी रबते, किसी जमात की अक्सरियत न होने पर मुश्तरका हुकूमत बनाने पर भी गौर। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हाजी अली मदद खतक के लीगी रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच से मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाया। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा, दोस्तों से मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। सिंध में गन्नुम की खरीदारी पर वफाकी हुकूमत रुकावट बन गई, मुशीर खजाना हफीज शेख का वजीर आला सिंध से फिर रब्ता, गन्नुम की इमदादी कीमत 1600 रुपए फी मन मुकर्र करने पर जोर, सूबाई काबीना जो फैसला करेगी वही होगा, मुराद अली शाह का जवाब। गवर्नर स्टेट बैंक की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, इक्तसादी सूरत हाल पर गौर, रजा बाकर की वजीर खारजा को स्टेट बैंक की कारकर्दगी जर मुबादला के शरह पर ब्रीफिंग, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बहुत जल्द मर्शिद को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने सोशल मीडिया पर नानी और वालिदा की तस्वीर शेयर कर दी, इंस्टाग्राम पर तस्वीर के साथ ओल्ड टाइम फोटोज का कैप्शन भी दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद 70 बरस के हो गए, 6 नवंबर 1950 को रावलपिंडी में पैदा हुए, दोस्तों अजीजों और कारकुनों की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हॉकी लेजेंड अब्दुल रशीद जूनियर की वफात पर इजहार ताजियत। कहते हैं पाकिस्तान बेहतरीन खिलाड़ी और अजीम हस्ती से महरूम हो गया। लवाहिकीन के लिए सब्रो जमील की दुआ। वफाकी हुकूमत का पीटीवी की निजकारी का फैसला। निजकारी कमीशन ने माली और इंतजामी रिकॉर्ड तलब कर लिया। काबीना बनाए स्टेट एंड इंटरप्राइजर ने निजकारी की मंजूरी दी थी। ये चैनल जब आजाद होगा ना तो ये फेसबुक पर जो गुमराही की खबरें वो बंद हो जाएंगी, इसलिए को मोनोलॉग होता है वो एक आदमी साथ। तो ये बहुत सारा सिलसिला है। तो अगर आपने मुल्क को ये जो नई चल रही है ना हाइब्रिड वार तो पता नहीं फिफ्थ जनरेशन वाला कौन कौन सी वार है, ये आज़ाद होगा तो ये सारी खराबियाँ दूर हो जाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया को आज़ाद किया जाए ताकि लोग खुलकर बात कर पूरा मुल्क सुन सके और उस पर जो लोग अपनी राय बना सकें। उसने देखा तो ये इस पर आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, वो स्क्रीन जो है वो गायब। फिर पता चला कि आपके चैनल पर पाबंदी लगी। बहरहाल लगती रहती है, बहरहाल आप अपना फरीजा अदा करते रहें। अच्छे चैनल्स पर पाबंदी लगती रहती है तो ये कोई बात नहीं है, अपना फरीजा अदा करना जो आप दुरुस्त समझते हो उसको ठोक बजा कर करें। आवाम 68 रोज से अपना सबसे पसंदीदा चैनल और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर के सहाफियों का एहतजाज। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का 24 न्यूज से इजहार यकजहती। हुकूमत से नशरियात बहाल करने का मुतालबा। दरिया रावी के किनारे नए शहर का मंसूबा कबूल नहीं। अहल इलाका सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ दही आबादियों के अफराद का मुजाहरा। ज़रख़ेज़ जमीन पर हुकूमती कब्जे के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान की तारीख में अनोखा मुकदमा। कराची का शहरी चर्च पीने की इजाजत मांगने सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया। शरीफ लोग चर्च पीते हैं जिन्हें पुलिस तंग करती है। दुनिया में कई जगह चर्च पीने की इजाजत है, मुल्क का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बरहमी रिमार्क्स दिए। क्या आप चाहते हैं सब लोग चर्च पीना शुरू कर दें? चर्च पीनी है तो किसी और मुल्क चले जाएं।